बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धीरेन कृष्ण शास्त्री को जोशीमठ संकट दूर करने की चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने कहा था कि धीरेन कृष्ण शास्त्री जोशीमठ की जमीन को धसने से रोक कर दिखाएं, तो मैं भी मान जाऊं। एक चैनल पर शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उन्होंने किसी बाबा को चुनौती नहीं दी, वे धीरेन कृष्ण शास्त्री से मिले भी नहीं। हालांकि उनका कहना है कि मेरी चुनौती हर उस व्यक्ति को है जो चमत्कार का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि ईसाई और मुस्लिमों को कैसे रोकेंगे जब हमारे धर्म में ही खुला पाखंड होगा। शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि चमत्कार का कोई तात्पर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसी कोई गली नहीं बची जहां चमत्कार के नाम पर समस्या दूर करने का दावा किया जा रहा है। कुछ लोग लाइन खींच कर अपने गोल में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने खिलाफ विरोध पर ये बात कही है। साथ ही बताया कि सनातन और साधु संतों में भी गोलबंदी चलती है। उनका कहना है कि हम गोलबंदी में नहीं पड़ते, इससे मुझे जनता के सामने नजर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे वे कहते हैं कि डॉक्टर से पूछा जा सकता है कि किस आधार पर दवा लिखी है, वकील से उसकी बहस पर अनुच्छेद पर सवाल किया जा सकता है। इसी तरह कोई धार्मिक व्यक्ति किसी तरह का दावा कर रहा है तो उससे भी प्रक्रिया पूछी जा सकती है। अगर उनकी कोई गोपनीयता है तो आगे आकर जनता को बता दें। शंकराचार्य स्वामी आविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि धीरेन कृष्ण शास्त्री से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है, बाबा के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष भाव नहीं है। अब लोग मुझे देश द्रोही और सनातन विरोधी बता रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है, हालांकि किसी व्यक्ति में ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती है। ईसाइयों और मुस्लिमों के पाखंड को कैसे रोक पाएंगे जब हमारे ही धर्म में ऐसा खुला पाखंड होगा। हमें अपने घर को भी साफ करना पड़ेगा, ऐसे में देश में किसी भी धर्म में पाखंड खत्म नहीं होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।